अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से यमी से क्रंची ब्रेड पॉपकॉर्न की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने 5 पीसेस लिए हैं ब्रेड के और उन्हें इसी तरह किनारों के साथ मैं जो है वो क्यूब्स में काट लूँगी। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पीसेस जो हैं वो इक्वल साइज़ के हों, आप किसी भी तरह से काट लें। मैंने रख दिया पैन को लो फ्लेम पे और उसमें मैंने डाल दिए हैं कटे हुए सारे पीसेस और इन्हें मैं करूँगी रोस्ट ताकि ये क्रंची हो जाए। हाँ जी, सारे जो पीसेस थे ब्रेड के वो अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैंने अगेन उसी पैन को रख दिया है फ्लेम पे और उसमें मैंने डाल दी है तकरीबन 1/2 कप शुगर और तकरीबन 5 टेबलस्पून मैंने वाटर ऐड किया है। इसका हम बनाएंगे एक मज़ेदार सा यमी सा कैरेमल। बस मुस्तकिल चम्मच हिलाते जाएं आप और कैरामल जब गोल्डन होना शुरू हो जाए तो आप उसमें 3 टेबलस्पून बटर ऐड कर दें और 1/2 कप के करीब आप इसमें ऐड कर दें मिल्क। तो जब आप मिल्क ऐड करेंगे ना तो वो एकदम से ऐसे लगेगा जैसे शुगर जो है वो गुठलियाँ सी बनना शुरू हो गई हैं। तो आपने बस चम्मच घुमाते जाना है और उसे अच्छी तरह से पकाते जाना है तो वो दोबारा इसी तरह से अच्छे से कैरामल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर उसमें आपने जो रोस्ट करके ब्रेड रखी थी तो उसको आपने डाल के अच्छी तरह से सारे ही ब्रेड को कैरामल के साथ कोटिंग कर देनी है। ये देखने में कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहे लेकिन खाने में ये बहुत ही मज़े के हैं। आप एक बार ट्राई करेंगे तो इसे बार बार बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बने हैं, क्रिस्पी हैं।